तो ये देखो इमरान जी भी आ चुके हैं। इमरान जी कुछ बोलिए। नहीं मैं समझाता हूँ, एक मिनट से ना यार, तू बहुत फास्ट अच्छा, बोलती यार, बोल रही है ना, वो स्लो बोला कर, कहीं साथ रुकती नहीं, स्लो रे। मैं एक सिंगर। और इमरान क्या रे, तू सब आपा लोग के गोद में जाके अपन दोनों बैठ जाते हैं। ए, मेरी आपा है ना रे, वो छापा नहीं है, छापा तू एक छापा है और वो हमारी आपा है। तू तू बोलती नहीं, ये बोलती मैं क्यों किनारा हो गई, तू किनारा नहीं हो गई, लत मार के भगा ले। बुढ़े ने चालू करके दिया हम लोग को, बुढ़े ने बोलते अपने को जगह बना के दिया भीख मांगने के लिए, सुना ले भीख लेना लेना रे भीख। दिसंबर का स्वयंवर किसके साथ, किसके साथ, लालू के साथ। तो बुड्ढे ने बताया, ये हमने नहीं बताया, ये बुड्ढे ने बताया तेरे स्वयंवर के बारे में। हाँ। अभी भी बोल रहा हूँ, आशीष कौन है, ले क्या कुछ प्रूफ कर। हाँ। ये लास्ट वीडियो रहेगा इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का हमारा, तूने हमारे को कहीं पे झूठा साबित करी ना, वो दिन हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। बच्चे लोग स्कूल के पेरेंट्स लोग या कोई भी देखेगा तो क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे लोग का छोड़ दे, मैं थोड़ी, मेरी माँ को ये उम्र में कौन सी खुजली लगी थी जो कि दूसरे का मर्द छीन के लेके आई बोल के, जब तेरे बच्चे लोग नहीं सोचेंगे, तेरे बच्चे के क्या बोलते फ्रेंड्स के पेरेंट्स नहीं सोचेंगे ये। तो मैं फिर से आ गई, जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो बुड्ढे की रखेल है, बुड्ढे की रखेल, ये बुड्ढे की सिर्फ रखेल रहेगी। तो आप लोग को आज एक दूसरा एक जो एकदम बोलते हैं ना, मैंने बहुत दिन से अंदर रखी थी लेकिन आज वो मौका आ चुका है इसकी बातें बताने का। एक एक करके इसका भांडा फोड़ूंगी, ऐसा नहीं फोड़ूंगी। और तू क्या बोलती है मुझे, अबे एक भी यूट्यूब पे हमारे लिए कुछ चल रहा है कि पहले वो देख, पब्लिक तेरे लिए कितना डाल रही है, क्योंकि सबको तेरे कांड मालूम है, समझी क्या, क्योंकि तेरे जो उधर के लोग है ना, सब आजू बाजू के लोग, तेरे वहां के लोग भेजते रहते हैं कि देखो ये ऐसी है, ये पक्की धंधे वाली है, सब तेरे बारे में बताते रहते हैं, चालू ट्रेन में, समझी। और क्या चालू ट्रेन में, तू चालू ट्रेन में से मैं उतार, धक्के मार के उतार के लात मार गया। अरे मैं तो वो दिन सोच रही हूँ कब आएगा, तू मुझे लात मारती क्या, मैं तुझे लात मारती है कि नहीं। और क्या बोलती, अरे थोड़ा स्लो, अरे तेरे को मालूम है ना मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है, मैं एकदम स्पीड में बात करती हूँ, है ना, तेरे से ना नखरे करके मुझे ना यार नहीं पटाने ना, मेरे पास खुद का मर्द है, तू तो देख दूसरे का मर्द छीन के लेके आई, वो औरत के मुंह पे देख कितने 12 बजे, वो औरत का तू इतना मतलब इतना दिल दुखा के उसका मर्द छीनी, वो भी ऐसे टाइम पे तूने उसका मर्द छीनी है कि बोलते ना बुढ़ापे का भी सहारा था उसका, वो बुढ़ी का तूने बुढ़ापे का सहारा छीन ली, तू इतनी बड़ी नीच औरत है, इतनी तो कितनी कौन सी गंदी गाली, तू नहीं तू बुढ़े की रखेल है, लेकिन क्योंकि तूने इस टाइम पे शादी की ना तो तू अपनी खजली मिटाने के लिए की, समझी क्या। देख ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मेरे को एक इस बात पे ना मेरे को मतलब बहुत सारी वादे करना पड़ा था किसी से, मैं बोली नहीं मैं लास्ट तक भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आज है ना मैंने कॉल करके किसी से इजाजत ली हूँ, बहुत उनसे बोलते हैं ना रिक्वेस्ट की हूँ कि मुझे बोलने का एक मौका दो। देखो याद है तूने मेहंदी कलर की साड़ी पहनी थी और कहाँ पे जाके सो के आई थी रात के 3:30 बजे, भूल गई, भूल गई तो मैं तेको बताती हूँ, बुड्ढे के कौन से रिश्तेदार भाई के पास सो गई थी अपना मतलब मैटर लेके कि 15 लाख तुझे नहीं देने का था, तो तू जाके उसको बोल रही थी मेरे को नहीं देना है, तो उसने तेरे साथ में मालूम है बैठे बैठे तुम लोग दोनों का क्या हुआ था, अभी वो वीडियो भेजा था नीचे का। हाँ हम लोग मैंने ना 3:30 बजे और बुड्ढे ने के किसने निकाला तेरी रिकॉर्डिंग, वो भी मेरे पास है वो वीडियो, ठीक है वो तो यूट्यूब पे भी, बुड्ढे ने बहुत लोग को दे भी दिया है, वो मेरी बात नहीं है, बहुत लोग को दिया है बुड्ढे ने और वो इतने लोग ने YouTube पे चलाए हैं, मतलब तू है ना इतनी छिछोरी औरत बोलूंगी तुझे मैं, तू वो जो मैंने देखी ना तेरा वीडियो, क्या कौन सी मेहंदी कलर की साड़ी पहन के अकेला वहां खड़ी है और फिर वो आदमी आके तेरे को बिल्डिंग के अंदर लेके गया, याद है कि भूल गई, बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी फुल तैयार व्यार होके गई थी उधर समझौता करने के लिए, उधर जाके 3:30 के 3:40 को जाके उधर पे सो गई थी, याद है किसके नीचे सोई थी, याद है, तो वो सारे राज भी हम लोग को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन देख हम लोग है ना बोलते हैं ना कभी किसी का बेटी का नाम नहीं खराब करना चाहिए, तो तेरे पेट पे औलाद नहीं है तो तू किसी की बेटी को ना कुछ भी झूठ बोल सकती, किसी की बेटी को कुछ भी इल्जाम लगा सकती, पर वो हाँ सबर कर, अल्लाह की मार तुझे जरूर पड़ेगी और यही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि किसी की बेटी, हाँ हम लोग तू अभी बोलेगी क्या खुद की बेटी के लिए बोल रही, दूसरे की बेटी के लिए बोल रही और मेरे बेटे के लिए बोल रही, वो क्या मैं तेरे बेटे के लिए नहीं बोल रही, जो तेरा ये भाड़े का मर्द है ना
इसने पूरी सोशल मीडिया पे चलाया कि ब्रा की पट्टी और होट वाली, वो क्या होट चूसने वाली क्या तुम लोग करते, अल्लाह ही जाने मेरे को नहीं मालूम, होट चूस के पप्पी लेते माँ बेटे बेडरूम में क्या क्या करते, ये तेरे दल्ले ने, मतलब दल्ला नहीं सॉरी, ये तेरा जो भाड़े का मर्द है ना उसने बताया, मुझे नहीं बताया, बहुत लोगों को बताया, बुशरा पायलों को बहुत लोग को बताया, और चल रहा है यूट्यूब पे चल रहा है, समझी क्या, मुझे अकेले को नहीं बताया, और बहुत लोग तो तेरे को कमेंट भी करते रहे, लिप्स पे पप्पी लेने वाली तू कैसी बेशरम रहेगी माँ तू बोल के। अरे जब तेरी गांड फट गई थी ना तो तू क्या की थी तेको मालूम है, मेरी लाइफ पे जुड़ी थी, याद है तेको, तू जो अभी वीडियो मेरी डाली है ना, तो देख तेरे को इतना पावर आया था सना इमरान के हाथ में बात करके, समझ में आया, तो ये देखो इमरान जी भी आ चुके हैं, इमरान जी कुछ बोलिए। नहीं तो मैं तो आप बिरयानी हूँ और पल्लू के अंदर ही रहता हूँ, पल्लू से बाहर ही नहीं आता। अच्छा ये जो है बुड्ढे की रखेल, इसको अपने लाइफ पे क्या लिख रही थी नीचे बोलो, एडमी एडमी, अरे बिकारन, एक मिनट मैं समझाता हूँ, सना यार तू बहुत फास्ट बोलती यार, बोल रही है ना वो स्लो बोला कर, कहीं साथ रुकती नहीं रुकती नहीं रुकती नहीं, स्लो रे मैं रुक जाते। अच्छा ठीक है इतना स्लो भी नहीं बोल सकती, चलो तू बोलो मेरे को फास्ट बोलने क्या था, चल वो जो वीडियो का क्लिप जो डाली है ना, ठीक है वो उमरा करने गई थी ना तब का क्लिप है, ठीक है, और उसका है ना उसके नीचे ना ये लिख रही थी, ये जो नाक लगाने वाली औरत है ना, ये लिख रही थी एड मी एड मी एड मी, तब हम लोग ने ऐड किए, तो आपा को हमने बोले आपा हमारे से जो गलती हो गई ठीक है, इतनी बड़ी जगह उमरा कोई जाएगा वहां से एड मी लिखेगा, तो ऐड कर दिया हमारी लाइफ पे, तू ज्वाइन हुई थी और पब्लिक कमेंट कर रही थी नीचे गिल्ली चड्डी आई उसको ऐड करो, वो नीचे मैसेज कर रही है और आप लोग देख सकते हो, अच्छा मेरा मुंह देखो कैसा बना हुआ है क्योंकि इमरान ने ऐड कर दिया था, आप लोग खुला देख सकते हो भाई मेरी बहुत, मतलब बोलते हैं ना मेरी, और मैं इमरान के बोलने पे ही मैंने बोली चल ठीक है, वो तो मेरे बोलने पे चुप बैठ गई, मैंने ऐड किया था, इसके दिल में नहीं था तेरे से इतना बात करने का, कसम से बोल रही नहीं था, पूरी लाइफ चला के देख लो, पूरी लाइफ चला के देख लेना, और मेरा पब्लिक को समझ में आ रहा है, जैसे ज्वाइंट हुई ना तो मैंने पूरा मुंह उतार लिया अपना, खुला दिख रहा है उसके अंदर, अबे मेरे को देखो ज्वाइंट नहीं करने का था, ये मेरे आदमी ने ज्वाइंट कर दिया था, देखो समझ में मेरी आपा थी ना रे, और इमरान क्या रे तू सब आपा लोग के गोद में जाके अपन दोनों बैठ जाते हैं, मेरी आपा है ना रे वो, देख कुलसुम आपा हमारी आपा है, मरियम आपा हमारी आपा है, मीनाक्षी दीदी हमारी आपा है, क्यों मालूम है आज भी हमारी आपा है क्योंकि तेरे जैसा चुना हम लोग किसी को नहीं, तेरे जैसा छापा नहीं है, छापा तू एक छापा है और वो हमारी आपा है, सुन सुन, और तेरे साथ अच्छा है सना, इसके पास अपन कभी गए नहीं क्या, आपा हमारा प्रमोशन कर दो, एक मिनट रुको तो सही, मैं बोल रही हूँ देख हम लोग ने आज भी आपा बना के क्यों आपा लोग गोद में बिठा रहे, मैं तेको उसका बात बताती हूँ, क्योंकि हम लोग ने किसी से पैसा नहीं लिया, तेको सब लोग तेरी गांड पे लात मार के क्यों भगाए, पूरा ग्रुप तेरे को तेरी गांड पे लात मार के क्यों भगाए, क्योंकि तू सबसे पैसा मांग रही है, ज्वेलर है आज तेको सब लोग ने जो अलग किए ना और सब एक साथ है, लेकिन जो तेको अलग किए तो उससे पैसा मांग रही है, ये बोलती मैं क्यों किनारा हो गई, तू किनारा नहीं हो गई, लात मार के भगा ले, ये बात ध्यान में रख, थोड़ा अपने दिमाग से कचरा बाहर निकाल ले, और कुत्ते को बोल सामने आके बोलने के लिए पीछे से मत भोंक, देख मैं पल्लू से थोड़ा आगे आ गया हूँ, वही तो, ठीक है छोरी की लाइट तेरा बाप चलाता है, साढ़े तीन बजे तेरी माँ जाके कहीं पे मेहंदी कलर की साड़ी पे किधर सोई थी पहले वो पता लगा कि खाली माँ की दलाली खाएंगा, हाँ कितने दिन खाते बढ़ेंगे अपनी माँ की दलाली, कुछ कर कुछ आगे सीख, तेरे को मालूम है तेरी माँ को पूछ इमरान का काम क्या है, इमरान बीएमसी का काम करता है और ठोक के बोलते हैं हम सीना, अभी ये भी ले ये कंटेंट भी चलाओ डड़ा ठीक है, सब बहुत चला, अरे बुड्ढे ने चालू करके दिया हम लोग को, बुड्ढे ने बोलते अपने को एक जगह बना के दिया भीख मांगने के लिए, सुना लेना भीख लेना लेना रे भीख लेना, बुड्ढे ने दिया, अबे बुड्ढा तू एक रुपया बुड्ढे को देती नहीं थी जब उसको वहाँ से उठा के लाई थी ना, ए बुड्ढे ने भीख मांगने जगह दिया बोल रही ना, बुड्ढे को पहली बार है ना मैंने बिठाया, मेरे आईडी पे बिठाया बुड्ढे को पहली बार, तेरी सच्चाई बताने के लिए, 15 दिसंबर स्वयंवर, दिसंबर का स्वयंवर किसके साथ लालू के साथ, तो बुड्ढे ने बताया, ये हमने नहीं बताया, ये बुड्ढे ने बताया तेरे स्वयंवर के बारे में, 15 चाकू चक 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 चक, ये बुड्ढे ने बताया, बुड्ढे ने भीख मांगने जगह नहीं बना के दिया, गलत फिल्म मत जी, बुड्ढे ने तेरी असलियत लाया, देखो भाई वो दिन से तेरी असलियत सोशल मीडिया पे तेरे भाड़े के मर्द ने लाके छोड़ा है, समझी क्या, तो ऐसा है, और तेरी खुजली देख, तेरी खुजली ना देखो जब खुजली चढ़ती है ना, मैं हमेशा ये बात बताई हूँ, तो अगर मैंने तेरे लिए कल एक दो नेग्रू मैंने तेरे लिए ढूंढ ली
तो तेरे को वो बोलती रोड चाप की निशानी है, देखो कैसा रोड चलते आदमी का वीडियो बनाई है। अच्छा अच्छा तू ना उसको क्या बोली थी, सच्ची बोल क्या बोली औरत वो, मैंने तो फोटो गिल्ली चड्डी को तो फोटो बता गिल्ली चड्डी पसंद किया ना उसने, बोला काला काला मेरे जैसा दिखता है, उसकी वो टपक रही थी क्या बोलते हैं, वो बोला ये हमारे हमारा बरादरी का दिखता है ये काला औरत, हमारे को दे दो हम लेके जाएगा चार शादी करेगा इसका। क्या बोल रही है तू मेरी बेटी की, मैं 10 बार अबे तू 100 बार लगा खुजली वाली, तू 100 बार प्रमोशन करने का तेरे बेटे के चैनल का, 100 बार लगा हमको क्या है, तेरे को भीख की जरूरत है, हम एक ही वीडियो एक ही बार डालते 10 बार नहीं चलाते समझी क्या, चोरी नहीं लगाते 10 बार और हमारी क्या सच्चाई बताएगी ना, तेरी तो पूरा यूट्यूब पे थूथू चल रही है, ये उम्र में दूसरे का बुड्ढा तूने छिनके लेके आई बोल रही और नंगा नाच, वो पूरी पब्लिक को मालूम है छोटे छोटे स्कर्ट ये सब कौन पहन के नाचता, देख हम फुल कपड़े पहन के नाचते हैं, पहनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जिम के कपड़े पहनते ठीक है, तो इतने इतने स्कर्ट और इतने इतने ब्रा वो सब हम लोग नहीं, वो नंगा नाच तू नाचती, इसके लिए हमसे ज्यादा लाइक तेरे है, हमसे ज्यादा व्यू तेरे है, समझ में आया, जो जैसा दिखेगा वो वैसा बिकेगा बोलते हैं ना, मेरे को तो ये तेरा काम है तू दिखाती और बिकाती है, हमारा काम नहीं है, ये तो नंगा नाच करती है तो ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार इसके बारे में, और आपा बोलता है ना इमरान तो तेरे से छूने नहीं लगाता ना मैं लगाती हूँ, अगर कोई गोल्डन ग्रुप से लेके या किसी ने भी बोल दिया कि हम लोग ने कभी किसी से 1 रुपया लिए, तेरे क्यों गाड़ पे लात मार मार के भगाए मालूम है पूरे तेरे जो ग्रुप वाले लोग लोग सब, क्योंकि तू सबसे भीख मांग रही थी, किनारा नहीं हमारे से, हमको तू बोलती है भिखारी, हमसे तूने 4 लाख रुपए मांगी थी, उसका जवाब देती है रे, उसका जवाब देना, हम तो भिखारी चल ठीक है भिखारी लग रहे, तो तेको तो हमारे से उम्मीद नहीं करना चाहिए था, हमसे 4 लाख रुपए तू मांगी थी, उसका जवाब नहीं दे, 15 लाख का भी तो नहीं बोल रही पब्लिक, उसको कमेंट करी 15 लाख की बात कर बोल के, ए भाई तू सौकार है और मैं भिखारी हूँ रे, सवाल का जवाब दे दे, 4 लाख मांगी थी क्या नहीं मांगी थी उसका जवाब दे दे प्लीज, लेकिन तेरे से काम नहीं कर सकती मैं, इतने में बहुत खुश हूँ, मेरे को तेरे से बड़े बड़े निवाले खाने की आदत नहीं है, मैं छोटे निवाले में बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ, क्योंकि देख भाई मेरे को मतलब हाव मारी नहीं पड़ी है, मेरे को ज्यादा ऐसा गोल्ड पहनना है, मेरे को घरदार लेना है कि नहीं, मेरे मतलब जब तेरे दो दलाल है तो दलाली करते है तेरी, तेरे को कहाँ कहाँ सुला के लेके आते, तो भाई हम लोग का वो काम नहीं है, मैं और क्या मेरे खानदान की बात कर रही है, अबे पता है तू व्हाइट साड़ी वाली के हाथ में जिसमें फोटो डाली है वो तेरी हेड थी, भूल गई क्या अभी वो दुनिया में नहीं है, वो जाते जाते तेरे को एक काम सिखा के गई लड़की सप्लायर का, अब तू खानदान के ऊपर अगर आएगी ना तो तेरा खानदान मैं ऐसा गिनाऊंगी ना, जो तेरी तेरे को जो दुनिया में लाई है ना उसने भी क्या क्या किया हुआ सब मालूम है, लेकिन देख अभी मुंह बंद है ना तो बंद रहने दे, नहीं तो फिर मैं जो दुनिया में नहीं है फिर मेरे को उसके लिए भी बोलना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती ये सारी चीज मैं बोलूं, क्योंकि तू खानदान की बात कर रही है ना तो फिर खानदान मैं तेरा निकालूंगी ठीक है, और उतरन की बात तो देख मेरे को तू बता दे, मैं किसी का कभी उतरन पहनी कुछ लेके आई, अगर चल सोशल मीडिया पे बैठ के प्रवचन करती है ना चीजों का, तू तो पहनी ना, तू पहनी ना, वो तेरा जो लोलू है ना उसकी जो रखे वहां पे है ना, तू तो उसका ड्रेस जाके उधर पहनी ना है कि नहीं, मेरे को तू बता दे कि अगर मैंने कहीं पे कुछ पहनी है ना तो बता मेरे को, उतरन तो तू उतरन है, मेरे को जो उतरन बोलती है तू क्या रे गिल्ली चड्डी, टिकटॉक से लेके तू अभी तक यहाँ तक अकेली आई है, तू भूल गई क्या देखो मरियम आपा ने फेमस की, आज जो देखो जान रहे ना तो मरियम आपा की वजह से जान रहे ये मत भूल हाँ, और तेरा ब्रांडेड जो नाम दिया गया है ना तुझे, ब्रांडेड नाम है तेरा हैशटैग गिली चड्डी, जो तेरे को आपा ने दी थी, नाम दे तो देखो आपा ने दी थी ठीक है, तो ना आपा की वजह से तू जानी जाती है, और तू इतनी अच्छी बनके मैं बहुत अच्छी एक सिंगल मत ऐसा करके तूने मतलब क्या बोलते संपत्ति क्या बोलते है वो ले करके तू इतना आगे बढ़ी है, समझ में आया और क्या बोलती, एक नंबर के भिखारी, चल ठीक है मान गए, पर तू भी मान, एक नंबर की बुड्ढे की रखेल, एक नंबर धंधे वाली और एक नंबर की तू जान दे, वो बहुत ज्यादा गंदा वर्ड हो जाएगा, वो मैं तुझे नहीं बोलना चाहती पर तू समझ जाना मैं देखो क्या बोलने वाली थी, समझ में अपने ना 1 ग्राम गोल्ड का कुछ कर नहीं पाए बोल रही, अच्छा 1 ग्राम गोल्ड का देख तो जिसका भी नाम ले रही मैं सबसे चीज अलग तो फोन करके मांग रहा था अपने से 1 ग्राम हाँ, तेरा अपने तो मांग रहा था मेरे पास, अगर बोल नहीं मांग रहा था तो बोल, और देख सब अपने अपने नसीब का खाते हैं, जैसे कि तू सबके नसीब का खाके बैठी ना वैसा नहीं हम लोग करते, हम लोग देख भले से मेरी सामने वाली अपोजिट पार्टी रहने दे या मैं रहने दे या कोई भी दुकान रहने दे, सब अपने नसीब का खाते ठीक है, कोई किसी से धंधा छीनता नहीं है, तू धंधे वाली है
और ए गिली चड्डी तू उकसा मत, दीपक के लाल से कुछ नहीं होने का है। इमरान खान है, दीपक के लाल नहीं है। तो अभी तू उकसा मत, ऐसी उकसा उकसा के बुड्ढे को बुलाई, बुड्ढे ने तेरी खुजली मिटाया। अब तू सोच रही रहेगी कि ये दीपक के लाल से कुछ नहीं होगा, दीपक के लाल बहुत कुछ कर सकता है, फिर बोलना मत मुझे, समझ में आया। और तेको वैसे भी खुजली लगी रहती है साल के 12 महीने। देख अभी तू ये उम्र में तेको अल्लाह अल्लाह करने का था, तो अब तूने जाके वो बुड्ढे को घसीट के लेके आई है कि नहीं? और क्या रे तू आशीष आशीष आशीष, अरे तेरा धगड़ है क्या? कौन है आशीष पर? आशीष है कौन? मेरा धगड़ है लगता आशीष। तू देख ऐसा बोल मत, बहुत फास्ट बोलती है, समझ में नहीं आता। अच्छा इंस्टा की फैमिली और YouTube की फैमिली, हाँ आशीष कौन है? इसका धगड़ है, इसका बेटा है, इसका धगड़, इसका सोता है वो धगड़ कौन है? इसका झोता है कौन है? रे भाई आशीष ना जायज दो औलाद भाई, आशीष लेके आ, अभी भी बोल रहा हूँ, आशीष कौन है लेके आ, कुछ प्रूफ कर। हाँ ये लास्ट वीडियो रहेगा इंस्टाग्राम का और YouTube का हमारा, तूने हमारे को कहीं पे झूठा साबित करी ना, वो दिन हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। हाँ। तेरा आज तक लाके डाले ले आशीष 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 मर रही ना, आशीष लाके डालना, आशीष कौन है? हाँ। लाके बता आशीष कौन है, ये लास्ट आखिरी वीडियो रहेगा हमारा। ठीक है, वो झलक दिखती वो तो इंस्टा की और यूट्यूब की फैमिली बराबर समझ जाती है। बच्चे लोग में तो किसकी भी झलक दिखती है। तू तो एक बिजनेसमैन आदमी को फंसा के वो जो छोटा वाले को पैदा करी, जो एक बिजनेसमैन अंकल है ना जिसको तूने जीते जी मार दी थी, तो वो अंकल अभी अभी 2-3 साल पहले वो ऑफ हुए। ए, ए, वो दिखता है उसकी झलक है, उसके बालू कैसे बाल है, अंकल नहीं वो दिखता है, वो जो अंकल कैसा एक दिख रहा है ना, तो उनकी फैमिली देख इतनी अच्छी पढ़ी लिखी बच्चे लोग, आज भी उनकी लड़कियां हैं 2 या 3, वो आज भी उनकी फैमिली है। ठीक है, जो देखो ये जो नाजायज औलाद जो छोटा वाला पैदा हुआ था ना बिना शादी के, और बड़ा वाला जो काला मालूम है बिजनेसमैन वो भी था, जिससे तूने घर हड़प के बेटी एक दुकान ली, याद है कि याद दिलाओ, जो तू बोलती ना मेरी दुकान ने, तो ते वो अंकल ने जो तेको दुकान दिए उनसे केस में फंसाई थी वो, फिर 2.5 महीना वो बेचारा उसको अंदर डालने वाली थी, क्या क्या तेरे पूरे पूरे चट्टे मालूम है, अभी मेरे को बोल मत, आराम से सब खोल के बताऊंगी। तो तेरे दोनों नाजायज औलाद जो तू लेके आई वो कॉकटेल है बे, वो कॉकटेल है, समझी क्या? तो अभी देख मैं तो बोलने की जरूरत नहीं, तेरा यूट्यूब पे तो पूरा तेरे चट्टे खुले हुए, तो पब्लिक जिसको भी नहीं मालूम है ये जाके देखना। और ये इतनी बड़ी इसने 15 लाख हड़पी और हम लोगों जो भिखारी झोपड़पट्टी जो भी बोलती है हमसे भी 4 लाख रुपया मांग रही थी, जो इसको सवाल करेंगे उसका जवाब देती नहीं है। हाँ रे भलता ही लेके बैठती है आशीष ना आशीष ना। अरे देख मेरे को तेरे से नया नया मतलब नया नया खाने की मेरे को आदत रहती थी ना, तो ये आज मेरा आदमी मेरे साथ में नहीं रहता, मेरे को नए नए लोग की मेरे को मतलब तेरे से नए नए चाहिए रहता था ना, वो तो बुड्ढे को तू साइड में रखी कभी पलटी ना मार दे बोल के। अरे हाँ यार मैं तो एक चीज बोलना भूल गई, तू क्या बोल रही थी कि मेरे बच्चे लोग के स्कूल के पेरेंट्स लोग या कोई भी देखेगा तो क्या सोचेंगे? मेरे बच्चे लोग का छोड़ दे, मैं थोड़ी ना नए नए मर्दे लेके आ रही हूँ अपने घर में निकाह कर करके और कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। तेरे बच्चे लोग के कॉलेज वाले लोग नहीं सोचेंगे, कॉलेज के फ्रेंड लोग नहीं सोचेंगे कि तेरी माँ को ये उम्र में कौन सी खुजली लगी थी जो कि दूसरे का मर्द छीन के लेके आई बोल के, जब तेरे बच्चे लोग नहीं सोचेंगे, तेरे बच्चे के क्या बोलते फ्रेंड्स के पेरेंट्स नहीं सोचेंगे ये, मेरा तो छोड़ मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, तू तो दूसरे का मर्द छीन के लाके बैठी है। हाँ और सबको मालूम है, क्या बोलती आप लोग को पता है मैंने कैसे संस्कार दी, पिछले लोग को सब बोल रहे बोलता है क्या 9XL की चड्डी बोल रहा है वो, ये संस्कार सब मालूम है, कहाँ कौन सा नशा तू लोगों को देती है, कब बिठाती है, कहाँ सुलाती है तेरे बेटे लोग, कहाँ नशा लेते, तो ज्यादा अच्छी बनने की तेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे गोल्डन ग्रुप को मालूम है। और अभी जितना बोलूंगी उतना कम है, 15 लाख तू ली है समझी क्या, जरा वो भी क्लियर कर, वो भी पैसा क्लियर करना कि मैंने नहीं लिया। और तू चली तू इतना बोल रही है ना, तो तू जो कसम खाई थी ना कुरान पाक लेके, कसम खा के बुड्ढे ने देखो 15 लाख रुपया नहीं ला के दिया, चल ठीक है उसके बाद में नहीं देखो बोलूंगी, कसम खा ले बोल मैंने नहीं ली, तू बोल रही ना, तू क्यों बोल रही, तू क्यों बीच में उड़ी मारते, अब मैं उड़ी मार रही हूँ और मारूंगी उड़ी, देखो कसम खिला के ही छोड़ूंगी मैं, समझी? तो ज्यादा सोच मत मेरे बारे में।